7 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोग बताना चाहते हैं? ख़ास करके जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, पिछले 7 दिनों में क्या कोई दिक्कत आई आप लोगों को, ऐसी कोई बात हुई या क्या कोई दरख्वास्त हमारे देश के विदेश मंत्रालय से या फिर प्रधानमंत्री से करना चाहें? थैंक यू, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं कि जो पहले हम लोगों को बताया कि हम लगातार यही हैं, कोई संडे छुट्टी कोई मेहतर नहीं करेंगे, क्योंकि हम वही इरादा किया, वो खास किया कि जब तक हमारा जो खास्ते है जो डिमांड्स है वो पूरा नहीं हो जाएगी, हम दिन टू दिन यहाँ आने रिफ्यूजी का आने बढ़ जाएगी, अफगानी रिफ्यूजी का, क्योंकि एक तरीका ज़बरदस्ती है जो ये लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं इतना बच्चे इतना लेडीज़ आ रहे हैं, वाले पर भी उनका जो ईमेल्स आ रहे हैं वही एक बहुत ख़राब ईमेल है, वही अपना ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कह रहे हैं हम कुछ नहीं करते, ये हक नहीं है का वो हक नहीं है, क्योंकि ये हमारा पूरा बेसिक राइट है फॉर वन ह्यूमन। और दोबारा एक दरख्वास्त है जो हमारा जो मीडिया फ्रेंड्स है, अभी हम देख रहे हैं जो यहाँ आके इंटरव्यू ले रहे हैं, इस लोगों मजबूर लोगों का जो इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर वो अपने स्टूडियो जाके उसका एडिट करेंगे, उल्टा बातें कर रहे हैं। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है सिर्फ अपने रिफ्यूजी और रिफ्यूजी राइट के लिए हम करेंगे, बोले वहाँ जाके इसका कन्वर्ट करेंगे, पॉलिटिक्स से कन्वर्ट करेंगे रिलीजन से, ये बहुत जफा है, अच्छा काम नहीं है, इसके अगेंस्ट हम सब कुछ कर सकते हैं, हम एतराज़ भी कर सकते हैं, बोले प्लीज़ हम पूरा मीडिया फ्रेंड्स का जितना ये है हम बहुत भरोसे से उनका अलाउट किया कि आओ हमारे महिलाओं से हमारे बच्चे से इंटरव्यू ले लो, बोले ये तवक्को नहीं था कि ये लोग उसका अपने गलत फहमी गलत तरीके में इसका फड़ा देंगे, गलत तरीके में इसका यूज़ कर रहे, कि हम तो देख रहे कई मीडिया उसका रिलीजन में कन्वर्ट करेंगे, पॉलिटिक में कन्वर्ट करेंगे, हम सिर्फ सादा सीधा या रिफ्यूजी लोग हैं, अपने बेसिक डिमांड मांग रहे हैं, कोई और कुछ बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।